मरे जी श्री दाग बगोर दैया, हाले फूले भैया फिरे मैं ससरार जात, मैं ससरार जात जेब में डरो चाली जा कथा, भैया जू ससरार पहुंचे उनने टोरो छत्ता, रहे दिना दो चार पिता की को न काबे, नारी पानी भरने खा निकली पोचा से हाथ पकड़ लो, सास लेख दौरीठ पर गए पूजी नैया पीठ, तेनठिया को ढीठ कैसो सुधा, स्वागत की वे समानो उतई ढाड़ो तो बड़ो सारो दए चार चेहूदा, भर के गलत दे मारो सो चीजा वो धो डरो देखा। ऐसी ससरार ना जाने बिना मान को राने, घर वाली से पूछत नैया बेदे काए बताने, सैया ने आगे अब पूछी पिता द्वार के माने, कौन तरह से मान रखो है सारे उठा उठा दे मारे। इस प्रकार से मान सम्मान होता है, कुछ दिल कहते हैं कभी ने बताया है कि रहो दिना दो चार मान सम्मान बराबर रावे, क्योंकि जी जान लल्ला जुगा मेहमान साहब, रहे दिना दो चार मान सम्मान रावे, रहे दिना दस बारह और हाथ में घुरपी मूल पे चारा, चल रे जीजा भैंस पछारा, एक दिना सारे के लाले हो गई नाथ पुंगरिया, मोर ब्याह करा दो मोर ब्याह करा दो, दादा तेने मिली है मोए बकरिया, दादा ए मोरो ब्याह करा दो मिल गई एक बकरिया, दादा मोरो ब्याह करा दो मिल गई एक। लेकिन आपको ख्याल राजा भर्तरी हमारे उस्ताद जी का फरमाइश, राजा भर्तरी बहुत अच्छा ख्याल, भगवान जब राजा भर्तरी का जन्म होता है और जन्म से स्वयंवर स्वयंवर से मान लो शादी शुदा, इसके बाद उनकी रानियां थी तीन तीन राजा भर्तरी की, तो राजा भर्तरी ने कहा है महाराज, तो इनसे क्या होता है आगे, इसी ख्याल में पूरा विस्तार दिया, तेरा छंद का ख्याल है जो मैं बता रहा हूं पाल जी। जन्म से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से लास्ट डेट तक पूरा ख्याल चारों बीत का उसका पूरा विस्तार इसी ख्याल पे दिया है, किस प्रकार से दिया है। आरी हाथ जोर के अपने स्वामी से विनय करते हैं, स्वामी बिनाए करते हो आरी खड़ी पेंगेला आले बेली, स्वामी तुम छोड़े हवेली, तुम
छोड़े हवेली, अच्छा कभी ना अरे पति से कर ताजी रे खेली। मुकाटे वाले पैसे रो नारे, पैसे रो नारे तारे वाले, पैसा रे भैया जाए रे, मुकाटे वाले हो उसी प्रकार से बताया है कवि ने। राजा भर्तृहरि ने अपने सिपाहियों से कहा, जाइए भाई घुड़सवार से घोड़ा छोड़ करके लाइए, सवार कीजिए। बेग आस्ते राजा मंगवाए, धनों से बाण कर कीना है, राजा मंगवा ले धनुष बाण कर लीना है, चल दीना है चल घोड़े पर पहुंचो बनो नवीना है, ए से बाण कर लीना है, चल दीना है चल घोड़े पे पहुंचो बनो नवीना है, चल दीना है राजा चल घोड़े पे पहुंचो बनो। ध्यान रख तेरे भैया, चल दीना है चल घोड़े पर पहुंचो बनो नमीना है। अरे पहुंच गया जंगल में राजा, रामा 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 रामा, प्यारे रामा पहुंचो बनो नवीना है।
बनो पहुंच गया जंगल में राजा अरी हेरना सामना कीना है और नाचीना है मिर्गा कारो फेरे उठाए सीना है चले दीना है राजा चाल घोड़े पे पहुंचो बनो नमीना है पहुंच गया जंगल में राजा हिरन सामना कीना है नाचीना है मेरे काकारो फिरे उठाए नाचीना है मिर्गा कारो फिरे उठाए सीना है राजा को हिरना लखो लिए धनुष्वर बाण भगत बने मृग भाग लो नहीं सर पे पहुंचो आन लेकिन हिरना क्या कहता है सोच मती हिरनी करो और मृग जो कहता है खड़ा मारने हारे से प्यारी पालन हारा है बड़ा बोले मारने हार से पालन हारा बड़ा होता है मारने हारे से प्यारी है पालने हारा है बड़ा अगर आई मौत मेरी कौन सकता है छोड़ा शायद बोले मेरी मौत आ गई है तो कोई छोड़ा सकता है मुझको अगर आई मौत मेरी को सकता है छोड़ा भूप स्वार्थ मासी मेरा लगे तो जस हो ए बड़ा बोले जस बड़ा होगा मेरे तन खा करके अपनी हिरनियों से क्या कहने लगा अरे भागे से ना बज हो हिरनी बहुत अच्छे सर कभी
यार ताजी केली। बहुत अच्छा। राम राम क्या बात है। छोड़ हवेली अच्छा कबीले पति शिकार ताजी खेली। 70 हिरणियों के बीच में एक हिरण था तो राजा भर्तृहरि उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिरणी हाथ जोड़कर विनय करते हैं, प्रभु 70 हिरणियों के बीच में एक मेरा पति है, आप 10-20 हिरनी मार करके ले जाओ वो मंजूर है, लेकिन हमारे पति जी को जरूर छोड़ दो स्वामी। लेकिन राजा भर्तृहरि क्या कहते हैं, अरे हाथ जोड़ के हिरनी बोली 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 राजा जी। ख्याल ये दव्याव मध्यम से चल रहा है। ए प्यारे रामा प्यारे रामा रामा प्यारे राम। बहुत बढ़िया बारे भैया। हाथ जोड़ के हिरनी बोली सुनिए राजा फरियादी, आजादी नाच दीजिए मार लीजिए तमादी। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। मृग आजादी नाथ दीजिए मार लीजिए तुम्हें मार दी, हिरनी मार करके ले जाओ स्वामी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राजा भर्तृहरि क्या कहते हैं, अरे इस मृगा को जीव जियत है। प्यारे भैया प्यारे रामा प्यारे रामा जी प्यारे रामा, यहाँ मोरे लाल ये से मेरे गा को जीऊ जियत है तारे हेरे नीचक राधी मोरे लाल की हाँ मोरे लाल, ये से मेरे का को भैया जी उजी जते राजा
मृगा को जीव जियत 70 हिरनी चक्रा दी पीठ मुनादी कहे नाथ जी मृगन की हो बर्बादी। बोले महाराज मिर्गी सबरी बाएं बट्टे हो जाएगी प्रभु। तो कहते हैं पेठ मुनादी कहे नाथ जी मृगन की हो बर्बादी। क्या कहते राजा भर्तरी से आरी भूप मांस खाने तुम्हें, आपको शायद मांस खाना है, भूप मांस खाना तुम्हें मृगी मारो चाहे दसी भी। सुनियर जी मर्जी करो सोहरन मिले बकैसी। बोले जीवन में वो पति हमारा नहीं मिलेगा। क्या होता है राजा भर्तरी क्या कहते हैं भूप बोला सुन मृगी और कह रही तुम ठीक है नारी पर नहीं हाथ घालते और संसारी की रीत है। कोई भी इंसान दूसरी औरत को दूसरी की औरत को कभी हाथ नहीं उठा सकता है, अपनी पे तो बात अलग है। इसी प्रकार से राजा भर्तरी कहने लगे मैं नारी पे हाथ नहीं चलाता। मारते हैं मृगे काला जो देख लेते ठीक है और गुरु हमारे अब हंसे। सोहिरनी सुनो या सीख। बोले हमारे गुरुजी हंसी करेंगे मेरी, कहेंगे साले तुझको नारी मारने के लिए मिली तो कितना बड़ा बलशाली है तू। इसी प्रकार से राजा भर्तरी कहने लगते हैं नारी पर हाथ घालते संसारी की रीत है। मारते हैं मृगे काला जो देख लेते ठीक है गुरु हमारे को हंसे। हिरनी सुनो या सीख। लेकिन राजा भर्तरी क्या करते हैं अरे पीने बजाने भैया लगा रे भर्तरी दादाजी ध्यान से सुने राजा भर्तरी का क्या। मेरे गांव पास गया राजा के गया राजा के कायारी राजा के मेरे गांव पास गया राजा मृगा को सांग मार गई करो ये चत में गए धरना। गाए
राजा भर्तरी। हेलो, क्या बात है। प्राणी छोड़ में गागरो हिरनी भई बेचैन, शीश धुने रो बैखड़ी कहे भूप से। कहते महाराज तुमने गलत किया है, हमारे पति को मार करके ले जाते हो प्रभु, लेकिन उसी समय राजा भर्तरी, अरे मृगा मार ले चाले ते भर्तरी, क्या बात, बहुत अच्छे भैया हमारे, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद सिर पे बनो रहे हमारे बैंड वाले भाई साहब, क्योंकि संगीत के कलाकार आप भी हो, उस चीज को आप समझते हो कि संगीत क्या चीज होती है। मृगा मार ले चले भर्तरी, मग में मिली श्री गोरखनाथ, खून बहाते देख मृग को पछताने दोई मीजे हाथ। राजा भर्तरी से क्या कहते हैं गुरु गोरखनाथ, बोले हे मूर्ख एक क्या किया है आपने। तो राजा भर्तरी कहला महाराज हमने नहीं मारू, मरु मराव डरू तू हम उठा लिया, लेकिन राजा भर्तरी से गुरु गोरखनाथ कहते बोले नहीं आपने मारा है, बोले नहीं महाराज हमने नहीं मारा, बोले नहीं मारा है आपने, बोले तो मारा ले करो क्या करते हो मेरा, क्योंकि राजा है। भगवान कहने लगे बोले आ रहा है बहुत बड़ी बात है। राजा भर्तरी क्या कहते हैं, कीना सो कुछ हम किया, कीना सो कुछ हम किया और भूप कहे खिसिया, साचे साधु हो तो सुहिर ना ले लो जिबाय। गुरु गोरखनाथ को बड़ी जोर से इज्जत आती है, क्या कहते हैं उसी समय जब राजा भर्तरी के बयान सुनकर के गुरु गोरखनाथ को बड़ी जोर से गुस्सा आती है, तो कहने लगते हैं क्या
कीना सो कुछ हम किया भूप कहे खजिया है। साची साधु हो तो हिरना ले हो जिबाह भूपत के कटु बचन सुने मुनि के सद डोल उठो झड़ झड़ा उठ बैठ बच्चा अब तू क्यों पड़ा है डरा। भगवान ने कुछ नहीं कहा इतने शब्द कहे सुन के बचन गुरु को रख के मृग उठ बैठो तुरत पड़ा और हिरनियों में जा पहुंचा सुहिरना भर के चौकड़ा। भगवान की लीला परंपार होती प्रभु उसी समय राजा भर्तरी गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ जी कहने लगते हैं। क्या कहते हैं आरिस लगी चार सद की राजा अरे हृदय जमी जा इसी प्रकार से कहने लगे सिद्ध लखी जाए सिद्ध की राजा हृदय जमी जाल बेली छोड़ हवेली अच्छा कबीले पति शिकार ताजी खेली। बेटा जल्दी साथ बैठ क्या कहते हैं आगे राजा भर्तरी हाथ जोड़ के बने करते हैं प्रभु हम ऐसा नहीं जानते थे वास्तव में आप भगवान हो। अरे हाथ जोड़ के बोले भर्तरी प्यारे राजा प्यारे राजा 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 प्यारे राजा राजा रे मैं हो गो हो मोखाया सर जो आदी क्या कहते हैं हाथ जोड़ के कहे भर्तरी सुनिए राजा फरियादी आदी बात माने हो पूरी कर हो आज्ञा दी आज्ञा का अब पालन कर हो आज्ञा का अब पालन कर हो गुरु माने बैठी तो खां बैठी तो मैं खां
उसी समय गुरु को रखना था। भजन पे हो गए तो हालो क्या कहते हैं राजा भगवान गुरु गोरखनाथ जी, चेला तुम्हें हम नहीं करबो और के ना हमारा सोचिया, रानी तेरी श्राप दे दे सुभंग हो जा जोग साथ, घर जाके राज कीजे। गुरु गोरखनाथ राजा भर्तृहरि से कहते हैं घर जाके राज कीजे, दीनों तो ये बताए सब और जाने दे धोनी पर मुझे सो भजन करने जोग जा। लेकिन राजा भर्तृहरि का कान लगे अरे नाथ भगाओ मैं ना भगे हो, अरे रहो तुम्हारे या बे सगेली, तुम्हारे ना संगी छोड़े हवेली, छोड़े हवेली, छोड़े हवेली, अच्छा कबीले पति सकाता एक दो तीन चार पाँच छह सात, छोड़ हवेली अच्छा कबीले पति शिकार ताजी खेली। गुरु गोरखनाथ कहते हैं राजा भर्तृहरि से आरी चेला होने तो खा राजा तो खा राजा राजा तो खा राजा चेला हो ना तो खा राजा मन तो मेरी जग जा, लाओ भिक्षा खात्रिया से तात मात कह के भेग जा, चेला हो ले तो के राजा तो के राजा राजा तो के राजा, मानो तो मेरी सकजा लियाओ भेगजा, खा सत्रिया से हाँ खा सत्रिया से तात मात कह के भेगजा, लियाओ भेगजा खा सत्रिया से स्त्रिया से सात मात के। क्या बात है, ल्याओ भिक्षा खास स्त्रिया से तात मात कहकर भिक्षा। और क्या कहते हैं अरे काम क्रोध मद लोग मोए को, काम क्रोध मद लोग मोह
लियाओ भिक्षा खास क्रिया से तात मात कहकर भिक्षा, अपनी माँ कहकर के भिक्षा लेकर के आना है राजा भर्तरी, तभी चेला बन पाओगे। क्या कहते हैं? हाथी जोर भर्तरी, हाथी जोर भर्तरी कहे नाथ मान लो बोल, भूल जाओ पातक लगे तुम्हारे बचन अनमोल, वस्त्र फेंके भूप ने और लई गुदरी मेली अंग, तन में भभूति मली सुरम गई सरंग। राज दरबार राजपाट पूरा छोड़ दिया राजा भर्तरी ने, भगवान गुरु गोरखनाथ के साथ में लगे राम राम की रढ़न लग जाती है। कैसे? उसी समय राजा भर्तरी हाथ जोर भर्तरी कहे और नाथ मान लो बोल, भूल जाओ पातक लगे तुम्हारे बचल अनमोल, वस्त्र फेंके भूप ने लई गुदरी मेली अंग, तन में भभूति मली है रम गई सुर रंग, कानों में कुंडल मुद्राएं सुंदर क्या ये ढंग, कर में तू मिलिए चमीटा और चल बोला बजरंग। किस प्रकार से राजा भर्तरी उसी समय अरे बिग चालने चला भर्तरी, जन्म से मरण, मरण से जवानी और चारों वेद का ये पूरा विस्तार इसी ख्याल पे कितना अच्छी तरीके से बताया। अरे बिग चालने चला भर्तरी, अरे कंधे से टांग जोड़ी, लेनी चला भर्तरी कंधे से टांगे झोली, छोड़ा हवेली अच्छा कबीले कभी पति से कार ताजी खेली। जब राजा अपनी देहुड़ी पे पास पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? द्वारे से राजा भर्तरी आवाज लगाते हैं, अपनी घरवाली को मताई कहकर के बुलाते हैं। इसी प्रकार से कवि ने कहा है,
झलक जगाई भैया जा ड्योड़ी पे। बहुत अच्छे मेहमान कह के माता भैया खड़े तेरे से बेगे छाते जाओ माता अलख जगाई जा ड्योली पे छोड़ दो जग को नाता के माता खड़े तेरे ते भग छा दे जाओ माता तो मेरे द्वारे संत काले हैं संत काले हैं माता संत काले हैं बड़ी तेरे हो गई दाता खड़े तेरे ते बेगे जादे जाओ माता ओ कह के माता खड़े तेरे ते बेगे जादे जाओ माता कह के माता तेरे ते बेंगे जाते जा एक दो अलख जगाई जा ड्योड़ी पे छोड़ दियो जक्को नाता कह के माता खड़े टेर ते बेंगे छा दे जाओ माता अरे तुम मेरे द्वारे संत खड़े हैं तुम मेरे द्वारे संत खड़े हैं अरे बड़ी देर हो गई तुम्हारी द्वारे संत खड़े हैं बड़ी देर हो गई दाता अरे तेरे सुनत में बोली रानी अपने आदमी की आवाज पूरी पहचान लेता कहन लगी अरे तुम्हारे द्वारे अरे तेरे सुनत में बोली रानी अरे चेरी देख कोई चला तेरे सोना तनी बोली रानी Yeah.
कहे के माता खड़े टेरते भेगे छा दे जाओ माता। क्या कहते हैं जैसी कहा है राजा भर्तरी ने, कहे के माता खड़े टेरते भिक्षा दे जाओ माता। तुम्हारे द्वारे संत खड़े हैं बड़ी देर हो गई दाता, तेर सुनत मी बोली रानी चेरी दे कोई चिल्ला था। रानी के सुन के बचन चेरी आई द्वार, देख चेरी रानी से कहे कि भय जोगी भरता। बोले रानी जी अपने पति देव बाबा हो गए, का कह लगे चेरी का कह लगी, अरे मैं तो जुगनिया बन जाऊंगी, अरे मैं तो जुगनिया बन जाऊंगी अपने जोगी जोगनिया बन जाऊंगी
महल के दसो है जीना, दसो है जीना राजा, दसो है जीना। अरे वही में, अरे वही में पिंजरा टंगा गए, अरे वही में पिंजरा टंगा गए अपने जो इसी प्रकार से बताया। राजा भर्तृहरि की रानी पिंगला भिक्षा लेकर के आती है, छज्जे से उतरती चली आती है, का कहने लगी, अरे भूप से काए कैसने दीना बारी को राज छोड़ के, एक बारी को राज छोड़ के तारे लो भेस भेकारी को, बारी को राज छोड़ के, हाँ राज छोड़ के तारे लो भेस बेकारी को, एक बारी को शिकायत किसने दीना, माता कहते नारी को, एक बारी को राज छोड़ के धर लो भेस भिखारी को। बोले महाराज आपकी जी बताओ, तीन तीन रानी तुम बाबा हो गए, बताओ संतान तक नहीं है, अंगा राजपाट कौन चलाएगा स्वामी? का कहने लगी रानी, भूप शिकायत किसने दीना, माता कहते नारी को, एक बारी को राज छोड़ के धर लो भेस भिखारी को। सच्चे गुरु के सच हो चेला, सच कर बात हमारी को, जुग धारी को बहकले कुचन से सेत देख सत धारी। इसी प्रकार से लेकिन राजा भर्तृहरि को अपने गुरु से रढ़ना लग जाती भगवान से, अरे हाथ जोड़ भर्तृहरि और गुरु कुसुम रो बैठ,
और रानी के दही कुचन से सुबह दूध की सेंक भूप चेला सत्ते गुरु के भूप चेला सत्ते गुरु के पूरी लगी तन की छड़ी पिंगल ने दई बिगछा जानी नजर बेद की कढ़ी। उसी समय नगर से भूप चल दियो पहुंचे जहां गुरु मढ़ी सिद्ध बोला आओ बच्चा तुम्हारी आसल पड़ी। क्योंकि राजा भर्तृहरि इतना चाहते थे भगवान से, भगवान हर इंसान लोलीन नहीं होता है। कैसे आज की युग की बात बताएं, कलयुग के जमाने में कैसा होता है। अरी राम राम भज लियो नन्ना, अरी राम राम भज लियो भैया, अरी बोल लियो नोने फिर मानस नहीं हो राम राम। लेकिन अरे लड़का बहू नाती, अरे लड़का बहू नाती सब संपत्ति साथी ना देना सनाती, लड़का बहू नाती सब संपत्ति के साथी ना देना सनाती। जन्म लिया है काका लगे भगवान, भूलो ना दुनियादारी में,
डारी में ध्यान धरो भैया नासी को बेमान चौरासी को ते माता के वर में बिंदी कीनी कोमल स्वर में बन हो दासी स्वर तेरो में दसे हते मैया के वर में बिंदी कीनी कोमल स्वर में भूल गई सब कर किया वहां को जानी जल्दी बचपन गया जबानी कल की सद बल भूल गई सब घर की सद बल भूल गई सब घर की जानी टर्की हाँ बोला बोलना जानी टर्की जानी टर्की मोरी जानी टर्की बचपन गया जवानी कर की सदबद भूल गई सब घर की आओ बोला बो जानी टर्की बुढ़ापो आ गओ लेकिन ताहू चेतत नैया पाओ रे ताहू चेतत नैया पाओ रे चेरो माया दासी को के भले तनो सो कर ले के भले तनो सो कर ले हैं पारन मट्टी खा ले जे हैं आके घरे भोला सब दे के
केवल इतनो केवल इतनो चोकर ले पारन मट्टी खाने दे आके घर भुला सब दे लग जा तू राग में और क्या कहते हैं केवल इतनो सो कर ले पारन मट्टी खाने दे आके घर भुला सब स्वार्थ की है सब संसारी स्वार्थ की है सब संसारी मानो प्यारे बात हमारी भज लो राम चंद धन भारी भारत की है सब संसारी मानो प्यारे बात हमारी भज लो राम चंद धन धारी भज लो राम चंद धन धारी लाल दिमाग कभी ने बताया आगे कैसी ये नच रही अदा भा रही